Welcome back. Welcome to the new session. Starting with the third sum. Last session में हम लोगों ने दो sum complete किया था, वहाँ पे journal और एक sum में ledger देखा था. आज हम लोग अभी जो sum करना है उसमें हम लोग दोनों देखने वाले एक ही sum में. A, B, C were partners carrying on a partnership business sharing profit and losses in the ratio 1:3. मतलब ये ratio दिया हुआ है old partners का. Balance sheet दिया हुआ है जिसमें capital दिया है, B का loan, partners का loan दिया है, creditor and bills payable, building machine, motor car, stock, debtors, cash and investment. On the about date, private limited company was incorporated to take over the above business on the following terms and conditions. All assets, bracket में क्या देखा है, except cash and investment, तो उसको पहले चोकड़ी मार दो, ये दोनों take over नहीं है. And all liabilities, except B's loan, तो B's loan को भी चोकड़ी मार दो. To be taken over by the company for which all assets are valued at par, मतलब सब book value पे है, except building 27,000, stock 14,000 and goodwill 30,000. Second adjustment, very 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 important, star mark karo. B's loan to be partly liquidated means payoff by his taking over the firm's cash and investment at par. Means जो B का loan दिया है 20,000 रुपए का, उसमें से 9,000 रुपए का cash वो लेके जाएगा और 1,000 का investment लेके जाएगा. मतलब in short loan कितने का बाकी रह गया, 10. देखो marking खतरनाक है. 20,000 का लोन था जिसमें से 9,000 और 1,000 रुपए चला गया. फॉर द बैलेंस ही इज गिवन 8% डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. मतलब जो पीसी आएगा उसमें से लोन का जो बैलेंस बचा था 20 में से 10 गया, बचा कितना 10, तो 10,000 विल बी सेटल्ड बाय वे ऑफ डिबेंचर्स जो अपने को पीसी में से मिलेगा. फिलहाल पीसी अभी तक पता नहीं है. The balance of purchase consideration is received in the form of equity shares which are to be appropriately distributed among the partners. Give journal entries and ledger account to close the books of firm. देखो क्वेश्चन में क्लियरली सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि पहले पीसी निकालो. पीसी निकालने के बाद 10,000 विल बी सेटल्ड एज अ डिबेंचर्स. तो जो भी पीसी आएगा उसका 10,000 डिबेंचर्स में जाएगा, बैलेंस इक्विटी शेयर्स में जाएगा. मतलब सबसे पहला टारगेट पीसी निकालने का. फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी. लास्ट लाइन देखो क्या बोला हम लोग ने, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. क्लियरली बोला एंट्रीज पास करना है तो चलो एंट्री पास करेंगे. एंड ऑल्सो शो द लेजर अकाउंट. ऑफिशियली लेजर अकाउंट मांगा है, मतलब रफ वर्क नहीं चलेगा. तो चलो स्टार्ट करते. सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ पीसी. तो ग्रॉस असेट, सब असेट एक एक करके देखते. फर्स्ट एडजस्टमेंट में सब कुछ दिया है. तो टू बी टेकन ओवर द कंपनी एट द वैल्यू एट पार, बिल्डिंग दिया है, गुडविल दिया है, स्टॉक दिया. तो पहले हम लोग ये लिख देते हैं, बिल्डिंग स्टॉक गुडविल. बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया एडजस्टमेंट में देखो, 27,000, स्टॉक 14,000, गुडविल 30,000. अब बाकी सब बुक वैल्यू पे. तो चलो जो जो बाकी है, मशीनरी मोटर कार, मशीनरी मोटर कार, मशीन है 30,000 का, मोटर 5, मोटर के पास दिया है स्टॉक जो ले लिया है, डेटर्स 20,000, कैश और इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर है नहीं तो इधर आएगा नहीं. तो जो टोटल करेंगे यू विल गेट ग्रॉस असेट लेस लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में आते हैं तो लोन दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 15,000, 5,000. दोनों को टोटल मारेंगे तो अपने को पीसी मिल जाएगा. तो सबसे पहला टारगेट 27 + 14 + 65 + 20, टोटल इज 126, जिसमें से 20 गया 1,06,000. अब ये 1,06,000 का फंडा क्या है? क्लियरली बोला है 1,06 में से इक्विटी में थोड़ा सेटल होगा, थोड़ा डिबेंचर्स में होगा. डिबेंचर्स का अमाउंट अपने को पता है 10,000. सर ये 10,000 कैसे आया?
तो वापस एक बार बता दूं, बी का लोन था 20,000, उसमें से कैश 9,000, इन्वेस्टमेंट 1,000, सो बैलेंस कितना बचा 10,000। तो भाई इस तरह से कैलकुलेशन करके डिबेंचर्स आ गया 10,000 का, तो 1,06,000 में से 10 गया तो बचा कितना 96,000, तो इक्विटी शेयर्स विल बी 96,000। चलो ये तो अपना पीसी था, अब हम लोग आते हैं लेजर पोस्टिंग पे। तो चलो डायरेक्ट आते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग पे। सर आपको जर्नल एंट्री भी करना था? हाँ वो हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, ये टैली कर लेते हैं, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। यहाँ पे तीन पार्टनर है ए बी सी, यहाँ पे भी रुपीस रुपीस। देखो मैंने कैश का अकाउंट नहीं बनाया, प्रॉब्लम ऐसा है कि कैश टेक ओवर हो गया, कौन लेके गया बी का लोन, मतलब वो इंटर बोलते ना सेटलमेंट हो गया अंदर के अंदर ही, तो इसलिए कैश का अकाउंट मैंने बनाया नहीं है। चल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप एम्प्टी द बैलेंस शीट टू सन्ड्री असेट्स। चल एक एक असेट क्वेश्चन से उठाते जा, बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार स्टॉक डेटर्स क्या बोलते हो, कैश आएगा क्या? नहीं कैश नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, उसको लेने का ही नहीं है। तो चलो अभी इसका टोटल अपने करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग है 20, मशीन 30, मोटर 5, स्टॉक 15,000, डेटर्स 20,000, टोटल करना पड़ेगा 20, 20, 40, 40, 60, 40, 60 प्लस 30, 90,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी पे आते हैं, तो लाइबिलिटीज में बाय सन्ड्री लाइबिलिटी जिसमें क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है। क्रेडिटर्स है 15,000 का, बिल्स पेएबल 5,000, टोटल कम्स टू 20,000। बाय बैलेंस तीनों का कैपिटल 10,000, 20,000, 30,000। फर्स्ट स्टेप एम्प्टी द बैलेंस शीट। एक चीज है, एंट्री साइमल्टेनियसली मैं पास कर सकता, तुम लोगों को तो कॉपी करना है। तो पहले एंट्रीज, चलो सबसे पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म का नाम नहीं दिया तो इन द बुक्स ऑफ डैश आ जाएगा, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। टू बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार स्टॉक डेटर्स 90,000 का, बाकी सब तो तुम लोग को कॉपी करना है वहीं से। तो चलो देखते हैं, बिल्डिंग फटाफट 20,000, 30,000, 5,000, 15,000, 20,000। लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटीज है तो दोनों लाइबिलिटीज को खत्म कर देते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स दिया 15,000 का, 5,000, टोटल 20,000। बैलेंस कैरिड डाउन पार्टनर्स कैपिटल का अपने को कोई लेना देना नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का कोई एंट्री आता नहीं है। चलो ये तो इधर तक आ गया, अब चेक करते कोई असेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं है क्या। तो कैश और इन्वेस्टमेंट टेक ओवर नहीं है, बट उससे पहले बी लोन को सेटलमेंट करने से पहले हम लोग को पीसी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज जो डिबेंचर्स जो हम लोग को पीसी में मिलने वाला है वो बी लोन को देना है। तो सबसे पहला पीसी रिकॉर्ड करते, तो पीसी का इफेक्ट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं।
बाय न्यू कंपनी 1,06,000 का पीसी, यहां पे क्रेडिट तो न्यू कंपनी में डेबिट टू रियलाइजेशन, देखो साइमल्टेनियसली अपने को एंट्री भी करना है तो एंट्री क्या आएगा, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,000। अब सीन ऐसा है कि न्यू कंपनी ने अपने को पीसी दिया, तो पीसी कैसे कैसे दिया है, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बाय डिबेंचर्स। इक्विटी दिया है 96,000 का, डिबेंचर्स दिया है 10,000 का, तो ये भी तो मेरे को एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या आएगा, सिंपल है, यहां पे ध्यान दो न्यू कंपनी डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। न्यू कंपनी दिया है 1,06,000, इक्विटी 96,000 एंड ये 10,000। देखो न्यू कंपनी भी टैली हो गया और यहां पे अपना एंट्री भी हो गया। अब सीन ऐसा है कि ये जो डिबेंचर्स यहां पे दिख रहे हैं, ये हम लोग ने बी के लोन को दे दिया, तो चलो वो इंटर सेटलमेंट कर देते हैं, लोन लायबिलिटी है, पे करने पे डेबिट हो जाएगा। 20,000 का लोन है, वो लोन के अगेंस्ट में हमने क्या क्या दिया, कैश दिया 9,000 का, इन्वेस्टमेंट दिया 1,000 का, और तो और उसको दे दिया डिबेंचर्स 10,000 का। देखो लोन अकाउंट बाकी था, वो लोन अकाउंट को भी हम लोग ने क्या कर दिया, क्लोज, खत्म हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए मेरे को वापस लेजर अकाउंट पे आना पड़ेगा, तो जरा लेजर अकाउंट पे आ जाते हैं। क्लोज दिस अकाउंट, टोटल 126 माइनस ये करेंगे तो मेरे हिसाब से 36,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ये बी सी 1:2:3 बोले तो 1/6, 2/6, 3/6, तो करो 36,000 डिवाइड बाय 6,000 आता है, इनटू 1, 6,000 12,000 18,000, ये इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन 6, 12, 18। होल्ड ऑन, जरा भी भटकना मत, ये प्रॉफिट है तो इसका भी एंट्री आएगा, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल, यहां पे भी सेम आएगा कैपिटल, तो देखो जरा कितना कितना प्रॉफिट आ गया, 36,000 का प्रॉफिट है जो बांटा 6,000, 12,000 और 18,000, इस तरह से बॉटम बाटी किया। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल पे आते, तो जरा इधर 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 आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे क्या हो जाएगा डेबिट, कुछ याद होगा, तो ये 96,000 टोटल है, तीनों को बांटना है तो तीनों को कैसे बांटेंगे, फाइनल बैलेंस पे, दैट इज 16,000, 32,000, 48,000। सिंस यहां पे कुछ भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 16,000, 32,000 एंड 48,000। चलो इसका भी एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा, तो मेरा लास्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोले तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000, 32,000, 48,000, टोटल कम्स टू 96,000. कैश था, सेटलमेंट हो गया, मतलब ये अकाउंट इधर ही खत्म हो गया है. इसको जरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एक बार टोटल करके देख लो, कैलसीपीए टोटल 96 आ रहा है क्या? 48 प्लस 32 80, 80 प्लस 16 96, यस परफेक्ट. सो ये अपना सॉल्यूशन, इन लोग ने मांगा था, जितना मांगा था पूरा बोर्ड पे प्रेजेंट कर दिया है. तो चलो ये कॉपी कर लो तुम लोग. सो होप सो तुम लोग ने ये सॉल्यूशन 3 कॉपी कर लिया होगा एंड तुमको समझा रहेगा. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4. चलो मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया, होप सो तुम लोग का भी रेडी हो गया रहेगा. स्टार्ट करते पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से. ए बी एंड सी कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 3/8, 1/8. देखो यहाँ पे देखो 1/2 बोला है, बाकी का 3/8, 1/8. तो 1/2 को हम लोग 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4. तो 2 4 8 1 4 4, तो दैट विल बी 4/8. तो न्यू रेशियो मींस रेशियो विल बी 4:3:1. ऑन 31st month दे एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी. देयर पोजीशन इज एज फॉलोज, मशीन फर्नीचर स्टॉक बुक डेब्ट्स मतलब सन्डे डेटर्स कैश. तीन पार्टनर्स के कैपिटल दिए है, लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिया है. द कंपनी टुक द फॉलोइंग असेट्स एट अ वैल्यूएशन शोन बिलो, मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर्स गुडविल. द कंपनी ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स विच वॉज एग्रीड एट 17,700. ए मतलब कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब कैश इज नॉट टेकन ओवर, प्लस लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, मीन्स लोन इज ऑल्सो नॉट टेकन ओवर. The company paid 67,000 fully paid shares of rupees 10 and balance in cash. बोलो तो PC निकालना पड़ेगा. And expenses to be paid rupees 1,500. Prepare ledger account in the books of the firm. तो format ready है, but format से पहला main calculation of a PC. तो चलो PC calculate करते हैं. All assets तो सब agreed value अपने को लेना है. मशीनरी 61,000, मशीन के बाद फर्नीचर स्टॉक डेटर्स गुडविल. फर्नीचर दिया है 31,800, स्टॉक 22,000, डेटर्स 14,000, गुडविल 10,000. इसके अलावा जो असेट बचा वो है कैश, बट नॉट टेकन ओवर है, तो कैश आने वाला नहीं है. चल टोटल कर, ग्रॉस असेट मिलेगा लेस लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज में से एक ही लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, वो भी एडजस्टमेंट में दिया है, 17,700 रुपये पेमेंट होने वाला है जो मिलेगा, दैट इज योर पीसी. तो चल टोटल करते हैं, 61,000, 31,800, 22,000, 138,800.
-17,700 121,100. अभी जो 121,100 है इसमें से थोड़ा इक्विटी शेयर्स में एंड थोड़ा कैश. तो इक्विटी शेयर्स का रेडीमेड अमाउंट दिया है 67,000. व्हाट अबाउट कैश? तो कैश तो तुम लोग को निकालना पड़ेगा 54,100. दिस माइनस दिस, ये बैलेंसिंग फिगर मिल गया. चलो ये पीसी था. रेशियो हम लोग ने निकाला था 4:3:1. देखो रीड करते करते हम लोग ने निकाला था. ठीक है, अब हम लोग आते अपना लेजर अकाउंट पे. तो लेजर अकाउंट फॉर्मेट सब रेडी है, अपने को खाली पोस्टिंग करना है. ये रियलाइजेशन पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है, ABC. न्यू फर्म्स अकाउंट मतलब न्यू कंपनी का अकाउंट. एंड कॉर्नर में मैंने कैश अकाउंट बना के रखा हुआ है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप एम्प्टी द बैलेंस शीट. तो चलो सब असेट एक एक उठा लेते हैं. टू सन्ड्री असेट्स, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स. सन्ड्री असेट्स में है मशीनरी, मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद स्टॉक एंड स्टॉक के बाद डेटर्स. तो सब बुक वैल्यू पे अपने को लेना है. तो मशीनरी, मशीनरी दिया है 48,000, फर्नीचर 42,000, स्टॉक दिया है 23,000 एंड डेटर्स 15,000. अच्छा, इसका टोटल करना पड़ेगा. तो चलो टोटल करते कैलसी पे. तो टोटल दिमाग लगाओ, असेट दिया है 130 का, कैश 2000 नहीं है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1,28,000. सर 2000 का कैश, तो जरा इधर टू बैलेंस 2000. फर्स्ट स्टेप खलास, एम्प्टी असेट हुआ, लाइब्रेरी पे आता है. कैपिटल दिया तीनों पार्टनर का ABC. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट लोन दिया है. ए लोन और क्रेडिटर्स, ये दोनों अपना लाइबिलिटीज में आएगा. बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, लोन एंड क्रेडिटर्स. लोन दिया है 16,000 का, क्रेडिटर 18,000. तो इसका टोटल करते हम लोग 18 + 16, 34,000. चलो फर्स्ट स्टेप खत्म, एम्प्टी द बैलेंस शीट. अब देखना है कि कुछ पे किया है. हाँ, लोन, जो ये लोन टेकओवर नहीं है उसको पे कर दिया है. तो पेमेंट का एंट्री क्या आएगा? टू कैश लोन के लिए. कितने का लोन है? 16,000 प्लस एक्सपेंसेस भी पे किया 1,500 का, टोटल 17,500 का पेमेंट किया. अब पेमेंट किया है तो यहां पे डेबिट, कैश में क्रेडिट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,500. चलो यहां तक तो एकदम परफेक्ट हो गया. अब क्या रिकॉर्ड करना है? मेन अपना पीसी. सो बाय न्यू कंपनी पीसी 121,100, यहां पे क्रेडिट, तो न्यू कंपनी में डेबिट. टू रियलाइजेशन अकाउंट 121,100. पीसी अपने को जो मिलता है वो कैसे मिल रहा है? तो वो दोनों देखो यहां पे दिया हुआ है. तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय कैश. इक्विटी शेयर्स 67,000 का एंड कैश 54,100. देखो ये तो टैली हो जाएगा. एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. कैपिटल, कैपिटल में चला जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तुमको पता है अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा 67,000. फाइनल कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे.
54,100 यहाँ पे क्रेडिट, तो कैश में डेबिट टू न्यू कंपनी 54,100। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्लोज करते हैं, सब खत्म। तो क्लोज कर रहे हैं अभी। मेरे को टोटल कौन सा ज़्यादा लग रहा है, वो ज़्यादा लग रहा है तो उसका टोटल करते हैं 155,100 डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी 4/8, 3/8, 1/8 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 155,100 माइनस 128 माइनस 17,500 योर प्रॉफिट इज 9,600 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 4,800 3,600 1,200 चेक कर लो, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,800 3,600 एंड 1,200 अब इसका टोटल करते हैं तो 44,800 33,600 एंड 27,200 बोले तो 67,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 448,336,272 ये रेशियो में बाइफर्केट होगा। सर ये रेशियो कहाँ से है, तो देखो मैं बता दूँ 448,336,272 तो अपने को पूरा पहले टोटल करना पड़ेगा 448,336,272 टोटल आता है 1056 67,000 डिवाइड बाय 1056 इनटू 448 ये संभलना आंसर पॉइंट में आ रहा है 28 अच्छा इक्विटी का फेस वैल्यू कितना है 10 28,420 21,320 माइनस 67,000 17,260 देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलो ये तो बाइफर्केट हो गया, अब क्लोज करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट 44,800 33,600 27,200 दिस माइनस दिस जो भी बैलेंस मिलेगा ना ये बैलेंस जाएगा फाइनल अकाउंट कॉल्ड एज कैश अकाउंट 44,800 माइनस 28,420 16,380 33,600 माइनस 21,320 12,280 27,200 माइनस 17,260 9,940 अब कैश का फंडा क्या है, यहाँ पे डेबिट तो कैश में क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 16,380 12,280 9,940 चलो इनको प्लस करते हैं 12,280 16,380 38,600 योर कैश अकाउंट हैज़ टू बी टैली तो इसका टोटल आ रहा है 56,100 चलो इधर का टोटल करते हैं एंड यस योर कैश अकाउंट इज टैली ये समझा। चलो फटाफट कॉपी कर लो।
होप सो तुम लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझा रहेगा. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सम के साथ. ठीक है, थैंक यू.